अस्सलाम वालेकुम, मैं अपने तमाम व्यूअर्स को वेलकम करता हूँ एकेडमी टेक में। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आप दो नंबर्स को कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं विद शॉर्ट ट्रिक। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आप कैलकुलेशन कर सकते हैं शॉर्ट मेथड से, शॉर्ट ट्रिक की मदद से स्क्वायर की। आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि आप दो नंबर्स को कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं विद शॉर्ट ट्रिक। आप फर्ज कर लें कि आपके पास जो 100 के आसपास नंबर हैं, जैसे कि 97 है, 92 है, 95 है, आप 94 है, आप इनको कैसे मल्टीप्लाई करवा सकते हैं विद शॉर्ट ट्रिक। आप वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। अभी ये आपको 100 के से जो बिलो नंबर है उनके बताऊंगा, फिर 100 से अबव नंबर है उनके बारे में बताऊंगा कि इनको विद शॉर्ट ट्रिक कैसे मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। फिर मैं आपको बताऊंगा कि जो एक जो नंबर है वो 100 से ज्यादा है, जो दूसरा नंबर है 100 से कम है, इनको आपस में कैसे हम शॉर्ट ट्रिक की मदद से मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। चलिए जी, मैं पहला ट्रिक आपको आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। फर्स्ट कर लेंगे आपके पास नंबर है 93 नंबर है, एक 94 नंबर है, ये दोनों ऐसे नंबर हैं जो 100 से कम है, इनको आप शॉर्ट ट्रिक की मदद से कैसे मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। सबसे पहले कंसेप्ट समझना, उसके बाद आप इजीली आप ये ट्रिक को फॉलो कर सकते हैं और मल्टीप्लाई निकाल सकते हैं। जैसे कि ये जो नंबर है 93, ये 100 से कितना कम है, 100 से कितना कम है, ये आपके पास 7 कम है, और ये 100 से कितना कम है, 6 कम है। अब आपने यहाँ पे क्रॉस लगा के चेक करना है। अब क्रॉस सब्ट्रैक्शन करनी है, यानी कि क्रॉस माइनस करना है। ये 97 में से अगर 7 माइनस कर दें तब भी सेम आंसर आएगा, या 93 में से माइनस 6 कर दें तो तब भी सेम आंसर आएगा। तो आपके पास आंसर आ जाएगा 87 आ जाएगा। अब आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 7 से कितना हो जाएगा, 42, ये इनका आंसर आ जाएगा। ये इन दो नंबर की ये मल्टीप्लाई आ गई है। ऐसे ही हम दूसरे नंबर को इसको चेक कर लेते हैं, 95 कर लेते हैं और 98 चेक कर लेते हैं। अब ये 100 से कितना कम है, ये 5 कम है, ये 100 से कितना कम है, 2 कम है। अब वही क्रॉस मेथड आपने सब्ट्रैक्शन के लिए इस्तेमाल करना है, इसमें से इसको माइनस कर दें, इसमें से इसको माइनस कर दें, एक ही आंसर आएगा। 98 में से हम 5 माइनस करते हैं तो आपके पास आंसर आ जाएगा 93, और ये 5 तो कितना हो जाएगा, 10। ये लीजिए इसका आंसर आ गया। इस शॉर्ट ट्रिक की मदद से आप जो 100 से कम है उनका आप इजीली क्या निकाल सकते हैं, मल्टीप्लाई निकाल सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो 100 से ज्यादा नंबर है उनको आप कैसे, यानी कि जैसे फर्ज कर लें कि 105 है, 102 है, या 103 है, इनका आप कैसे शॉर्ट ट्रिक की मदद से मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे नंबर ले लेता हूँ 105 और 102। पहले हम देखते थे ये कितना 100 से कम है, तो अब जो 100 से ज्यादा वाले नंबर होंगे हम इसमें चेक करना है कि ये 100 से कितने ज्यादा है, ये 100 से कितने ज्यादा है, ये 100 से 5 ज्यादा है, ये 100 से कितने ज्यादा है, ये 100 से 2 ज्यादा है, इनके 2 ज्यादा है। तो अब वही मेथड है आपके पास, वही ट्रिक है। आपने यहाँ पे पहले हम माइनस करते थे, अब हमने क्या करना है, इसमें जमा करना है। या 105 में 2 जमा कर दें तो सेम आंसर आएगा, या 102 में 5 जमा कर दें सेम आंसर आएगा। तो आप क्या कर लें, 102 में 5 जमा करेंगे तो आ जाएगा 107। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, 5 दो कितना हो जाएगा, 10। ये ले जी इसका मल्टीप्लाई आ गया। फर्स्ट करें कोई और नंबर लेकर देते हैं 103 और 104, ठीक है। अब ये देखें ये 100 से कितना ज्यादा है, 3 ज्यादा है, ये 100 से कितना ज्यादा है, ये 4 ज्यादा है। अब फिर कोई आपने क्रॉस सम करना है इनको, या 104 में ये सम कर दें, या 103 में ये सम कर दें, एक ही आंसर आएगा। हम 104 में ये 3 सम कर दें तो आपके पास आ जाएगा 107। अब इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई करवा देना, 4 3 कितना हो जाएगा, 12। ये ले इसका आंसर आ गया। बहुत ही आसान ट्रिक है, आप इनको फॉलो करें, इनको ट्रिक इंप्लीमेंट करें, यूज करें, पेपर में इस्तेमाल करें। विदाउट कैलकुलेटर आप नंबर्स को कैलकुलेशन कर सकते हैं। लास्ट टाइम मैंने स्केल का बताया था, इस टाइम मैं आपको मल्टीप्लाई का बता रहा हूँ जी। अब मैं आपके साथ ट्रिक नंबर 3 डिस्कस करने लगा हूँ, जो एक नंबर 100 से ज्यादा है और एक नंबर जो है 100 से कम है, इनको आपस में शॉर्ट ट्रिक की मदद से कैसे मल्टीप्लाई कराया जा सकता है। जैसे फर्स्ट कर लें कि एक नंबर आपके पास 102 है और दूसरा नंबर आपके पास क्या है, 98 है। अब देखें ये 100 से कितना ज्यादा है, ये 100 से 2 ज्यादा है, और ये 100 से कितना कम है, ये 100 से 2 कम है। वही मेथड आपके पास है, इसमें से इसको जमा कर दें, या इसमें से इसको माइनस कर दें, इसमें से इसको जमा कर दें, या इसमें से इसको माइनस कर दें, एक ही मेथड है। तो ये 98 है, इसमें 2 जमा करें कितना आ जाएगा, 100। अब अपने पास से आपने ये 2 सिफर लगा देने हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे क्या आंसर आ जाएगा, 4 इसमें से माइनस कर दो आप, यहाँ से कैरी जाएगा तो यहाँ पे 10 हो जाएगा, 6 यहाँ पे 9 रह गया था, 9 9 ये जी ये इसका आंसर आ गया।